राजस्थान में अरबी की सब्जी बनाई और खाई जाती है। आज हम आपको अरबी की एक खास डिश बना के दिखाने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। 1 किलो अरबी का इस्तेमाल करेंगे हम, और काली इस तरह वाली अरबी काफ़ी अच्छी होती है। अरबी को अच्छे से धो लेना है। इसके बाद अरबी को हम उबालेंगे, और उबालने के लिए हम ले रहे हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अरबी सबसे अच्छे तरीके से उबलती है और टाइम सेविंग भी होता है। पानी हमें उतना डालना है जितना में अरबी डूब जाए, ये काफ़ी होगा। चलो, और अरबी को हम 2 सीटी लगने तक पकाएंगे। अरबी की सब्जी हम बनाएंगे देसी घी में, आप तेल में भी बना सकते हैं। और मैं लूँगा 100 ml घी। घी गर्म हो गया है, मैं एक तेज़पत्ता तोड़ के डाल रहा हूँ। 4 इलायची हाथ से खोल के, इतने ही लौंग डाल देंगे, लाल मिर्ची इसे भी तोड़ के, और आधा चम्मच जीरा। 8 गार्लिक की छिली हुई फलियाँ लेंगे, और उसे अच्छे से हमें कूट लेना है हमाम दस्ते में। और सबसे पहले हम लहसुन की फलियाँ जो हमने कूटा है उसे डाल देंगे, हल्का चलाएंगे, और डाल रहे हैं हम 200 ग्राम कटा हुआ प्याज। इसे साथ में भूनेंगे। जब तक प्याज हमारा लाल होता है, हम बनाते हैं एक दही का मसाला। अब एक बाउल में हम लेंगे दही, और दही ले रहे हैं हम 200 ग्राम, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच आमचूर। दही के साथ अच्छे से मसालों को हम फेंट लेंगे। आइए प्याज देख लेते हैं। प्याज को हमें अच्छे से लाल करना है। अरबी एक ऐसी सब्जी है जिसको आप ला के कुछ दिनों तक अपने घर में रख सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन अरबी को कुछ नहीं होता, और अरबी को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, और यहाँ पर हम डालेंगे पानी और मिलाएंगे दही का घोल जो हमने बनाया था। एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है और पकाते हैं। आँच को तेज़ कर दीजिए, और हमें तब तक पकाना है जब तक दही में उबाल ना आ जाए। और राजस्थान के इस तरीके में जहाँ पे दही में सारे मसाले मिला के पकाए जाते हैं, वैसी सब्जियों में बहुत स्वाद होता है। अरबी में 2 सीटी लग गया है। गैस के फ्लेम को बंद करते हैं। ज़्यादा देर तक हमें छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अरबी पानी पी सकता है, इसलिए इसके गैस को निकाल दीजिएगा। चलिए ढक्कन खोलते हैं, बाहर निकाल लेंगे, और एक प्लेट पे अरबी को निकाल लीजिए। आराम से अरबी के स्किन को पील आउट कर सकते हैं, देखिए आसानी से निकल जाएगा। और इसी तरीके से हमें सारे अरबी छील लेने हैं। अरबी को आप अपने साइज़ के अनुसार काट सकते हैं। इस तरीके से हमें सारे अरबी काट लेनी है। आप लंबा भी काट सकते हो वेजेस की तरह से, और इस तरीके से भी हम काट सकते हैं। वापस से दिखे स्किन तो उसे हटा दीजिए। अरबी हमने काट ली है, अब अरबी को हम फ्राई करेंगे। धीरे धीरे करके डाल दीजिए। वैसे तो अरबी को डायरेक्ट बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, लेकिन फ्राई करके इस तरीके से डालने से अरबी में स्वाद और अच्छा आता है। अरबी की सब्ज़ी हैवी नहीं करती, पचने में सहायक है अरबी। अरबी फ्राई हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और निकाल रहे हैं हम ऑफरेटेड ट्रे में। और इसी तरीके से हमें सारी अरबी फ्राई करके निकाल लेनी है बाहर। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अरबी फ्राई हो गया है, आइए मसाला देख लेते हैं। और मसाले को अच्छे से चला लीजिए। आप देख सकते हैं मसाला ड्राई हो गया है, और घी स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे हम लेंगे एक हमाम दस्ता, इसमें हम डालेंगे 10 ग्राम अदरक कटा हुआ, और 3 ग्रीन चिली उसे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है, और इसे अच्छे से पाउंड करना है। तो हल्के हाथों से कर दीजिए। अदरक ग्रीन चिली जो हमने कूटा है उसे डालेंगे, अच्छे से चला लेते हैं। और यहीं पे हम डालेंगे 100 ग्राम कटा हुआ टमाटर, इसे भी साथ में भूनेंगे। अब हम मिलाएंगे गर्म पानी, चला लेते हैं। टोटल 800 ml पानी डाल रहे हैं, उबाल आने देंगे। अब डालेंगे हरा धनिया, और साथ में फ्राइड किया हुआ अरबी, उसे मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक, और ये हम डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला। और गैस की आंच को तेज़ ही रखना है, चला लेते हैं। अरबी को हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है अच्छे से, स्लो आंच पे। 7 से 8 मिनट का समय हो गया है, अच्छे से हिलाइए अरबी को, और हमारी अरबी बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए खट्टी अरबी बनके तैयार है, आइए प्लेटिंग करते हैं। खट्टी अरबी राजस्थान की एक ट्रेडिशनल डिश है, जो कि एक ख़ास मौके पे बनाई जाती है। ज़्यादातर गर्मियों में और बरसात के समय में आप इसे देखेंगे। शादी या किसी विशेष मौके पे अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है राजस्थान में।